हाय एवरीवन, आज के सेशन में हम ग्रामर को कवर करने वाले हैं। ग्रामर को दो वीडियो में हम कवर करेंगे और वही वही चीज़ें आपको ग्रामर में मैं देने वाली हूँ, जो कि जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाले, ग्रामेटिकल एरर वाले। तो जहाँ से वो क्वेश्चन बनते हैं, बस उन्हीं चीज़ों को मैं कराने वाली हूँ। बहुत कम समय में मैं आपको पूरा ग्रामर, वो ग्रामर जो कि आपके 20 क्वेश्चन जो आने वाले हैं EPFO एग्ज़ामिनेशन में, वो 20 क्वेश्चन इस ग्रामर से कवर हो जाए। अब 20 क्वेश्चन के लिए जो सिनोनीम, एनोनीम, ईडियम, फ्रेजिड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, वो सारे तो मैं कवर कर चुकी हूँ। जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड मेरे हिसाब से हैं, वो मैंने कवर कराया हुआ है। इसके अलावा ग्रामर में जो क्वेश्चन बन जाते हैं, ग्रामेटिकल एरर हो गया, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, ये सारी चीज़ों को मैं अब कराने वाली हूँ ग्रामर के ज़रिए। इसके साथ ही आपको आज के सेशन में ग्रामर में जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, वो सारी चीज़ें मैं कराने वाली हूँ। नेक्स्ट सेशन में, यानी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, उसमें मैं टेंस और क्वेश्चन टैग को कवर कराऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हो जाएं, और यहाँ पे बेसिक से लेके बिल्कुल टॉप वाली सारी बातें हैं, मतलब सारी चीज़ें इसमें दिया गया है जो कि मैं कराने वाली हूँ। जिस मटेरियल से मैं करा रही हूँ, ये मटेरियल बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत कम समय में आपको पूरे ग्रामर का ज्ञान हो जाएगा। इस अंग्रेजी का प्रत्येक वाक्य, यानी अंग्रेजी का प्रत्येक सेंटेंस कुछ शब्दों से मिलकर बना होता है। ये शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल, ग्रामर इज़ द एसेंस ऑफ अ लैंग्वेज। अब अगर आप सिंपली सेंटेंस को देखें तो आप सोचेंगे कि एक सब्जेक्ट है, एक मेन वर्ब है, एक वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से है। लेकिन अगर आपको इसमें चूज़ करनी हो और बतानी हो कि कौन सा क्या है इसमें, ग्रामर यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे ग्रामर नाउन है। अगर आपको नाउन यहाँ पे ढूंढना हो तो तीन यहाँ पे नाउन आपको दिखेगा। ग्रामर भी नाउन है, एसेंस भी नाउन है, और लैंग्वेज भी यहाँ पे नाउन है। ऑब्जेक्ट में जो लैंग्वेज दिया है, ये भी एक नाउन है। यहाँ पे इस जो आपको दिख रहा है, ये मेन वर्ब है, और दो आर्टिकल है इस सेंटेंस में। एक तो द भी आर्टिकल है, और यहाँ पे लैंग्वेज से पहले जो ए आप देख रहे हैं, जो लैंग्वेज को डिनोट कर रहा है अ लैंग्वेज में, वो एक आर्टिकल है, और ऑफ ऑफ एक कंजक्शन है। अब इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको आगे जानकारी मिलने वाली है। फिलिंग द ब्लैंक्स, जहाँ पे कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारे यूज़ होते हैं, और बहुत हद तक जो कम्प्रिहेंसन होता है, पैसेज होता है, वहाँ पे एक तो शब्द होता ही है, मतलब आपकी वर्ड पावर तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर कि आप किसी भी कम्प्रिहेंसन को, पैसेज को, स्टोरी को कम्प्लीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी दिख रहा है, नाउन क्या क्या है, ग्रामर, एसेंस और लैंग्वेज है, इज मेन वर्ब है, दी और ए आर्टिकल है, और ऑफ कंजक्शन है। बढ़ते हैं आगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 प्रकार के होते हैं, ये तो आप सभी को मालूम होगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, 8 तरह के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी वाक्य के ग्रामेटिकली शुद्ध होने के लिए इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्दों के प्रयोग को लेकर कुछ रूल्स हैं जिनका ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को, नाउन से लेकर के प्रीपोजिशन तक, सब कुछ समझेंगे आप। वैसे तो आप बचपन से समझते आ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ याद नहीं है तो वो भी रिवीजन हो जाएंगे। वाक्य में कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होता है। वाक्य का वर्ब वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। वाक्य में कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होता है, और सेंटेंस का जो वर्ब है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या फिर प्लूरल होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे है, हर चीज़ों को एग्जांपल में समझाया गया है। वी आर इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना बट सून रिकवर्ड। अब वाक्य का जो आपको वर्ब यहाँ पे दिख रहा है वो बिल्कुल सब्जेक्ट के अनुसार है। अब सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, तो वर्ब भी यहाँ पे वर्ब जो है ये प्लूरल ही यूज़ किया गया है सब्जेक्ट के अनुसार। तो बिल्कुल वाक्य का जो वर्ब होता है ये सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो सिंगुलर बनेगा, प्लूरल है तो प्लूरल बनेगा। इसी तरीके से दूसरा ये एक एग्जाम्पल देखिए, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज अ गुड बुक। अब यहाँ भी ये आपको सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ होगा।
कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, जैसे कि सीनरी, फ्यूल, पोइट्री, वर्ड, ऐसे वर्ड जो प्रॉमिस वाले हों, ऐसे शब्द, एडवाइस, इशू, बिजनेस, मिसचीफ, इंफॉर्मेशन, न्यूज, नॉलेज, ज्वेलरी, फर्नीचर, बैगेज, लगेज एसेट्रा। ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, इसके साथ ना ही आप एस लगाएंगे और ना ही इसके साथ आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे ये जो एरर सेंटेंस दिया हुआ है, अगर आपको ये सेंटेंस दिखे तो यहाँ पे आप बिल्कुल रॉन्ग करेंगे और कुछ और यूज़ करेंगे। जैसे कि दिया है द फर्नीचर्स, पहली बात की यहाँ पे एस नहीं लगेगा, ऑफ माई हाउस आर ओल्ड एंड रेयर, आर भी यूज़ नहीं होगा, इसका मतलब ये गलत है। सही वाक्य क्या होगा, द फर्नीचर ऑफ माई हाउस इज ओल्ड एंड रेयर। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, जैसे कि सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, शॉर्ट्स, आर्म्स, रिमेन्स, रिचेस, गुड्स, बिलोंगिंग्स, वेजिटेबल्स, अर्निंग, सेविंग्स, सराउंडिंग्स, वर्क्स, ऐसे काम जो कृतिमान वर्क हो, ऐसे वर्क एसेट्रा। ये सारे ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, यू शुड नॉट रन फ्रॉम हार्ड वर्क बिकॉज वेजेस ऑफ लेबर इज सक्सेस। अब यहाँ पे आप जो सेंटेंस आपने जो नाउन यूज़ किया है वो प्लूरल में यूज़ करेंगे, यू शुड, ठीक है, प्लूरल फॉर्म होगा। यू शुड नॉट रन फ्रॉम हार्ड वर्क बिकॉज वेजेस ऑफ लेबर इज सक्सेस। कुछ नाउन जैसे कि कैटल, पुलिस, पिसेंट्री, इन्फेंट्री, पीपल, आर्टिलरी एसेट्रा, इसका फॉर्म सिंगुलर होता है लेकिन प्रयोग इसका प्लूरल करते हैं, ठीक है। कैटल, पुलिस, पिसेंट्री, इन्फेंट्री, पीपल, आर्टिलरी, ये इनका फॉर्म जो है वो सिंगुलर होता है लेकिन प्रयोग में प्लूरल होते हैं। जैसे एग्जांपल के जरिए समझिए, द पीपल हैव कॉल्ड द थीफ। अब पुलिस जो है, पुलिस ये सिंगुलर है लेकिन इसके साथ आप जो वर्ब यूज़ करेंगे वो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पे हैज़ ना यूज़ करके आप हैव यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे हैव यूज़ करेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे यानी कॉट का प्रयोग करेंगे, द थीफ। दूसरा है कैटल, कैटल यहाँ पे सिंगुलर है लेकिन इसके साथ वर्ब जो आप यूज़ करेंगे वो प्लूरल होगा, कैटल आर ग्रेजिंग द फील्ड। कुछ नाउन जिनका फॉर्म प्लूरल लेकिन प्रयोग में ये सिंगुलर होते हैं, जैसे कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एसेट्रा, ये देखने में तो आपको प्लूरल लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर होते हैं, क्लासिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स, गैलोज एसेट्रा। जैसे एग्जांपल के जरिए समझिए, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आपको देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर होता है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। लेकिन वर्ड जैसे पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी एक सब्जेक्ट से अलग अर्थ में प्रयोग हो तो ये प्लूरल होते हैं, जैसे कि एग्जांपल, द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक नहीं है, द मैथमेटिक्स ऑफ टैक्स रिटर्न आर फ्लॉलेस। अब यहाँ पे आप आर का यूज़ करेंगे क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट है जो अलग अर्थ में यूज़ हो रहे हैं, से डियर, शिप, फिश, अपैरेटस एसेट्रा, इनके साथ जो आप वर्ब यूज़ करेंगे ये प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, जैसे राम शॉ, नॉट सी, राम शॉ अ शिप ग्रेजिंग माय फील्ड, शिप आर सोल्ड चीपर देन गोट। कुछ कलेक्टिव नाउन जैसे कि ज्यूरी, पब्लिक, टीम, ऑडियंस, कमिटी, गवर्नमेंट एसेट्रा, ये सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं लेकिन अब इसके अर्थ के समझने के ऊपर होता है, अगर अर्थ सिंगुलर में है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल में है तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझिए, द टीम आर लुकिंग क्वाइट फिट, अब यहाँ पे प्लूरल यूज़ करेंगे लेकिन अगर ऐसे दे कि टीम प्ले वेल तो यहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे यानी द टीम हैज प्लेड वेल, द ज्यूरी हैव आर्ग्यूड फॉर 5 आवर्स, 5 आवर्स, क्योंकि यहाँ पे समय की बात हो रही है और ज़्यादा समय की बात हो रही है तो यहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे, द ज्यूरी हैज रीच्ड इट्स वर्डिक्ट। यहाँ पे आप सारी चीज़ों को सिंगुलर में देख रहे हैं तो इसीलिए वर्ब जो है वो सिंगुलर में होगा, द ज्यूरी हैज रीच्ड इट्स वर्डिक्ट। अब आगे कुछ सम इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउंस दिए हुए हैं
इस कलेक्टिव नाउन को बिल्कुल इसी तरीके से यूज किया जाता है, जहां पे अगर एस लगे हैं वहां पे एस को ही प्रयोग करेंगे, जहां पे एस नहीं है वहां पे आप एस नहीं लगा सकते हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें जो है जो एरर में हो जाती है, जो पूछे जाती है, जहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे पीपल के लिए आप यूज़ करेंगे क्राउड ऑफ पीपल, हर्ड ऑफ लॉयंस, लॉयंस के लिए हर्ड ऑफ लॉयंस, मॉब ऑफ एंग्री पीपल, स्वार्म ऑफ बीज, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, फ्लॉक ऑफ शिप्स, शिप्स के लिए फ्लॉक ऑफ शिप्स, टीम ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल, टीम ऑफ पीपल, ये अर्थ के ऊपर है, सेंटेंस के ऊपर है। क्लास ऑफ प्यूपल्स, क्रू ऑफ सेलर्स, बकेट ऑफ फ्लावर्स, बंडल ऑफ स्टिक्स, बंच ऑफ ड्रैप्स, पाइल ऑफ बुक्स, पैक ऑफ वॉवल्स, फ्लीट ऑफ शिप्स, गैंग ऑफ थीव्स, फाइल ऑफ पेपर्स, ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स एंड हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ लॉयंस एंड हर्ड ऑफ कैटल। किसी नाउन एवं उसकी संख्या एवं अंश को इस प्रकार लिखते हैं, जैसे कि नाउन जो है और उसकी संख्या है, संख्या और अंश दिया गया है, तो इसको एंड करके पहले तो लिखेंगे टू आवर्स एंड अ हाफ हैव बीन वेस्टेड। एनी ऑफ अथवा वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, जैसे एग्जाम्पल वन ऑफ द बुक किप्ट, यहाँ पे प्लूरल यूज हुआ, कीप तो यूज हो नहीं रहा है, किप्ट यूज हो रहा है, यानी प्लूरल नाउन है। ऑन टेबल इज 9, वन ऑफ द बुक्स किप्ट ऑन टेबल इज 9। शी वॉन्टेड एनी ऑफ दीज नॉवेल्स, शी वॉन्टेड एनी ऑफ दीज नॉवेल्स। यदि दो कनेक्टेड नाउन वाक्य में हो तो दूसरे नाउन के साथ में एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। दूसरे नाउन के साथ में अगर दो नाउन कनेक्ट है और दोनों में ही अगर आप एपोस्ट्रॉफी एस यूज कर देंगे तो वो गलत है। दूसरे नाउन में, पहले नाउन को छोड़ करके दूसरे नाउन में एपोस्ट्रॉफी यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि शिभूस एंड शीमास फादर इज कमिंग टू स्कूल, दोनों में ही एपोस्ट्रॉफी एस यूज हो रहा है, तो ये सेंटेंस गलत है। सही वाक्य है शिभू एंड सीमास, सेकेंड नाउन में एपोस्ट्रॉफी एस यूज होगा, फादर इज कमिंग टू स्कूल, ये राइट सेंटेंस होगा। कुछ नाउन जो कि अमाउंट, फ्रैक्शन या फिर टाइम का हिस्सा हो, ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, भले ही उनका जो फॉर्म हो वो प्लूरल हो। जैसे कि 30 मिनट्स, अब आपको लग रहा है कि 30 मिनट्स तो समय कुछ ज़्यादा की बात हो रही है, तो वर्ब जो है वो प्लूरल बनेगा, लेकिन ये सिंगुलर वर्ब यहाँ पर यूज़ करेंगे। 30 मिनट इज इनफ टू फिनिश दिस वर्क, 3/4 ऑफ दिस लैंड इज बैरन। वो सब्जेक्ट जो कि एंड से जुड़े हो, तो इनका जो वर्ब होगा, वर्ब का फॉर्म वो इनके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, ठीक है। जैसे शी एज वेल एज, हर ब्रदर्स आर कमिंग देयर, आई एज वेल एज शी एम, आई के अनुसार इसको चेंज किया, शी एम गोइंग टू द आइसलैंड, द कोच टुगेदर विद ऑल द प्लेयर्स ऑफ द टीम, अब टीम के अनुसार आपने इसको वर्ब नहीं यूज करेंगे, आप द कोच के अनुसार यूज करेंगे, हैज रीच्ड द होटल। दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो वर्ब प्लूरल होगा, लेकिन यदि वो एक आइडिया या फिर होलसम मैटर दर्शाते हो तो इनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझिए, सूप एंड सैलेड इज टू लाइट एंड टू लाइट अ लंच। अब यहाँ पे एंड के जरिए जुड़ा हुआ है, दो वर्ब, दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं एंड के जरिए, तो यहाँ पे जो आप वर्ब यूज़ करेंगे वो प्लूरल होगा, लेकिन यदि वो कोई आइडिया या फिर होलसम मैटर को दर्शाता है तो उसके साथ में यूज़ करेंगे क्या, इसका यूज़ करेंगे, सूप एंड सैलड इज टू लाइट अ लंच, ब्रेड एंड बटर इज होलसम फूड, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, यदि दो नाउन्स एंड से जुड़े हो और एक आर्टिकल द इनसे जुड़ा हो तो ये नाउन्स सिंगुलर होते हैं, लेकिन यदि दोनों नाउन्स के साथ में द जुड़ा हो, यदि दोनों ही नाउन्स के साथ में यदि द जुड़ा हो तो इससे अलग अलग सब्जेक्ट का ज्ञान होता है कि अलग अलग बातें, दोनों की अलग अलग पहचान दर्शाई जा रही है, और इनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द इनोसेंस एंड प्लेफुलनेस ऑफ अ चाइल्ड एग्जिस्ट इन वेरी ह्यूमन बींग, द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी एंड द
फाइनेंस, अब यहाँ पे दी कंपनी एंड दी फाइनेंस यूज हो रहा है, दोनों की अलग अलग अर्थ निकल रहा है, दोनों की अलग अलग पहचान है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, हैव अराइव्ड इन दी वेडिंग। द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी एंड फाइनेंसर, अब यहाँ पे द नहीं लगा है, सिर्फ कंपनी के आगे लगा है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यानी हैज का यूज करेंगे, हैज अराइव्ड इन द वेडिंग। लेकिन पॉन्ड एंड फिश मेक एन इंचेंटिंग सीनरी, कुछ वर्ड्स जैसे कि ईच, एवरी, नो, नो वन, नो बडी, एनी वन, एनी बडी, नन, समबडी, समवन, वन, ये सभी सिंगुलर होते हैं और इनके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे एग्जांपल, ईच ऑफ द 40 स्टूडेंट्स हैज, वर्ब सिंगुलर होगा, अ वायबल सॉल्यूशन, नॉट वन ऑफ द 5 मेंबर्स ऑफ द कमिटी डिजर्व्स प्रेज फॉर द प्रोजेक्ट, यहाँ भी सिंगुलर यूज करेंगे वर्ब। दो नाउन, अगर और नॉर या फिर बट ऑल्सो से जुड़ा हो तो वर्ब इनके बाद आने वाले नाउन के अनुसार होगा, यदि दो और नॉर या फिर बट ऑल्सो से जुड़ा हो तो वर्ब जो है वो इनके बाद आने वाले नाउन से के अनुसार होता है। एग्जाम्पल के जरिए समझिए, नाइदर ही नॉर द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट, अब यहाँ पे नाइदर नॉर है, अब इससे ये जुड़ा है, तो वर्ब जो है इसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार होगा, यानी इसके बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल में है, तो यहाँ पे प्लूरल यूज़ करेंगे हैव, हैव पेड अटेंशन टू दैट मैटर। नाइदर द मेंबर ऑफ हिज कैबिनेट नॉर ही हैज़, अब यहाँ पे इससे पहले वाला जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा, हैज़ पेड अटेंशन टू दी टू दैट मैटर। क्लियर? कुछ वर्ड्स जैसे कि सेवरल, फ्यू, बोथ, मैनी, इसके साथ में आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल होता है, तो इनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। जैसे कि बोथ ऑफ द पेंस रिक्वायर केयरफुल फिलिंग, सेवरल ऑफ द फुटबॉलर्स रेगुलरली रन 4 or 5 किलोमीटर्स अ डे, मैनी प्लेयर्स आर नॉमिनेटेड फॉर द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ हो रहा है। लेकिन मैनी अ, मैनी अ के बाद में सिंगुलर नाउन आता है, तो इसके वाक्यों का जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होता है। जैसे कि मैनी अ मैन, सिंगुलर नाउन आता है मैन, तो यहाँ पे वर्ब जो है वो भी सिंगुलर यूज होगा, यानी वॉज यूज होगा। मैनी अ मैन वॉज ड्रॉन्ड इन दिस रिवर, मैनी अ रिलीजियस ट्रेडिशन इज फॉलोड इन इंडिया। नथिंग बट के साथ में आने वाला नाउन सिंगुलर या फिर प्लूरल हो, इसके वाक्य के वर्ब का फॉर्म सिंगुलर ही होता है। नथिंग बट के साथ बाद जो आने वाला नाउन होगा वो भले ही सिंगुलर या प्लूरल हो, इसके वाक्य का जो वर्ब होगा ये सिंगुलर ही होगा। एग्जांपल, नथिंग बट द एबॉट्स ऑफ इनन्यूमरेबल मैक्स वॉज सीन बाथिंग इन द रिवर। अ नंबर ऑफ के साथ में आने वाला जो वर्ब है इसका फॉर्म प्लूरल होता है, और दी नंबर ऑफ के साथ वर्ब के सिंगुलर फॉर्म का यूज होता है। जैसे एग्जांपल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ के बाद वर्ब प्लूरल होगा, वर रनिंग टू द स्टेडियम, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर रनिंग टू द स्टेडियम, और दी नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट्स इन 50, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म यूज होगा। किसी वाक्य का सब्जेक्ट एक प्रीपोजिशन के पहले प्रयुक्त होता है, बाद में नहीं। जैसे एग्जांपल, द लेटेस्ट मेथोडोलॉजी ऑफ रिक्राइटिंग एम्प्लॉयज इन कंपनीज ऑफ ऑल प्रोफाइल्स इज मोर कंसिडरेट। ठीक है, कुछ वर्ब जैसे कि आस्क, फॉरगेट, नो, लर्न, रिमेंबर, थिंक, want to know, wonder, etc. इसके बाद में यदि कोई इन्फिनिटिव 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो वाक्य का जो अर्थ है उस अर्थ के अनुसार कोई भी WH प्रोनाउन जैसे कि हाउ, वेन, वाई, etc. इसका प्रयोग जरूर से होता है, आवश्यक होता है। जैसे एग्जाम्पल, शी डिड नॉट नो टू स्विम इन द रिवर, ये गलत होगा। यहाँ पे आप यूज़ करेंगे टू के पहले क्वेश्चन WH यानी कि हाउ का यूज़ करेंगे। शी डिड नॉट नो
हाउ टू स्विम इन द रिवर, ये सही सेंटेंस बनेगा। द स्टूडेंट्स ऑफन आस्क मी हाउ टू प्रैक्टिस दोज मूव्स, नो के बाद में हाउ, यहाँ पे आस्क के बाद में, ठीक है। यदि मेक या फिर लेट के बाद में कोई वर्ब आता है तो ये वर्ब इसमें यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के रूप में होता है, तो इनके पहले टू नहीं लगेगा, समझ गया। यदि मेक या फिर लेट के बाद कोई वर्ब आता है तो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में होता है, इनके पहले टू का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ये गलत सेंटेंस क्या दिया हुआ है, विथ हीज सॉन्ग्स ही मेड एवरी वन टू अंडरस्टैंड नाइट, मतलब कि ये गलत है, यहाँ पे टू का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म के रूप में है और यहाँ पे मेड का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे यूज़ करेंगे या विथ ही सॉन्ग्स ही मेड एवरी वन अंडरस्टैंड इंडिया, ठीक है, और लेट हिम सिंग दिस मेलोडी। कुछ वर्ब्स जैसे कि लर्न, रिमेंबर, प्रॉमिस, स्वियर, अटैम्प्ट, फेल, सीम, फॉरगेट, रिग्रेट एसेट्रा, इसके बाद में वर्ब इन्फिनिटिव फॉर्म में फॉर्म का प्रयुक्त होता है। जैसे एग्जांपल, वी अंडर वॉर टू इनवाइट सच पर्सन, वी सीम टू लॉस्ट एट ले, वुड सुनर रेदर देन हैड बेटर, इसके बाद में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जांपल, यू हैड बेटर टेल योर फादर, यहाँ पे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं हुआ। आई वुड रेदर डाई देन वॉच अ मूवी, वैसे वर्ब को कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंसिस्ट, सजेस्ट के अर्थ में उस क्रिया का होना अति आवश्यक बताए वैसे वाक्यों में शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। समझ गए क्या बोल रहा है ये, वैसे वर्ब जो कि कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंसिस्ट, सजेस्ट ऐसा कोई अर्थ उत्पन्न कर रहा है तो उस क्रिया का होना अति आवश्यक बताए। कमांड का होना, ऑर्डर का होना, रिक्वेस्ट का होना, सजेशन देना, इंसिस्ट करना, ऐसे सेंटेंस में शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। जैसे एग्जांपल के जरिए समझिए, यू शुड बाय दिस बुक, शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे बॉट नहीं, यहाँ बाय यूज़ हुआ है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है। शी इंसिस्टेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रीड अलाउड, यहाँ भी इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रीड अलाउड, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है, शुड बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड। वाक्य में कहीं भी स्प्लिट इनफाइनिट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि माई फादर प्लान टू गो नॉट एन वोकेशन दिस मंथ, ये गलत सेंटेंस बनेगा, स्प्लिट इन्फिनिटी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बनेगा सेंटेंस कि माई फादर प्लान नॉट टू गो ऑन वैकेशन दिस मंथ, ये सही सेंटेंस होगा, माई फादर प्लान नॉट टू गो ऑन वैकेशन दिस मंथ। बट और एक्सेप्ट के बाद में वर्ब का प्रयोग एक सिंगुलर एक्टिविटी को शो करने के लिए हो रहा हो तो उस वर्ब के पहले टू नहीं लगेगा, समझ गए। लेकिन या एक्सेप्ट के बाद में ऐसा कोई अर्थ निकल रहा है, उसके बाद में वर्ब का प्रयोग एक सिंगुलर एक्टिविटी को शो करने के लिए अगर हो तो उस वर्ब के पहले में टू का यूज़ नहीं करेंगे, टू नहीं लगता है। जैसे एग्जाम्पल के ज़रिए समझिए, इट्स क्वाइट बोरिंग बिकॉज वी डू नथिंग बट टू सिट आइडल इन क्वारंटाइन, ये सेंटेंस गलत बनेगा, बट टू नहीं होगा, ठीक है। क्या सेंटेंस सही है, इट्स क्वाइट बोरिंग बिकॉज वी डू नथिंग बट सिट आइडल इन क्वारंटाइन। कुछ फ्रेज जैसे कि लुक फॉरवर्ड टू, टेक टू, एडिक्टेड टू, एक्यूस्टॉम टू, हैबिचुएटेड टू, is or are or am used to with a view to, इसके बाद में gerund form यानी verb plus ing, verb में ing लगा हो उसका use करते हैं। example के ज़रिए समझिए, my father is used to play for hours at the banks of Ganga, ये गलत sentence है, यहाँ पे is used to playing for आवर्स एट दी बैंक्स ऑफ गंगा का यूज़ होगा, यानी सही सेंटेंस बनेगा, माई फादर इज़ यूज टू प्लेइंग फॉर आवर्स एट दी बैंक्स ऑफ गंगा।
वी गो टू स्कूल विथ अ व्यू टू लर्निंग, वर्ब प्लस आई एन जी, जेरंड फॉर्म में होगा, ह्यूमिलिटी. कुछ वर्ब जैसे कि हेल्प, स्टॉप, अवॉइड, एन्जॉय, माइंड, प्रिवेंट, वरी, कैन नॉट हेल्प और कैन नॉट स्टैंड, इट्स नो यूज और गुड एसेट्रा, इसके वर्ब जो है वो जेरंड फॉर्म में होता है. जैसे एग्जाम्पल, आई ऑलवेज एन्जॉय के बाद जेरंड फॉर्म यानी वर्ब में आई एन जी, सिंगिंग रहमान. लेकिन यदि जेरंड के पहले एडजेक्टिव या फिर नाउन हो तो ये पजेसिव केस का होता है, ये पजेसिव केस बन जाएगा. जैसे शी अवॉइड्स हिज स्टेइंग एट द ऑफिस टिल मिडनाइट, शी हेट्स हिज ब्रदर्स ड्रिंकिंग एवरी डे. यहाँ पे जेरंड के पहले में एडजेक्टिव या फिर नाउन हो जाता है तो एडजेक्टिव या फिर नाउन हो जाता है यदि तो ये पजेसिव केस हो जाता है. यानी शी अवॉइड्स हिज स्टेइंग एट द ऑफिस टिल मिडनाइट, शी हेट्स हिज ब्रदर्स पजेसिव हो गया, शी अवॉइड्स हिज, ठीक है, ये पजेसिव दर्शा रहा है उसका, उसके साथ में शी हेट्स हिज ब्रदर्स अपने ब्रदर के साथ में, तो यहाँ पे पजेसिव शो कर रहा है. तो इस तरीके के एडजेक्टिव या नाउन हो तो पजेसिव केस यहाँ पे यूज होगा. किसी प्रीपोजिशन के बाद एक जेरंड का प्रयोग करते हैं, कोई प्रीपोजिशन है उसके बाद में जेरंड का प्रयोग करेंगे. जैसे शी इज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग हिंदी फिल्म्स, ठीक है, वॉचिंग हिंदी फिल्म्स, इसके बाद में प्रीपोजिशन ऑफ के बाद में जेरंड का यूज़ हुआ. आई एम ट्राइड ऑफ के बाद में वॉचिंग दिस. चलिए, नाउन कंप्लीट हुआ, अब आते हैं हम प्रोनाउन पे. प्रोनाउन किसी भी नाउन अथवा नाउन ग्रुप्स के बदले प्रयोग किया जाता है. ये आप सभी को ये डेफिनेशन तो मालूम होगा. ये है नॉमिनेटिव केस, ये है ऑब्जेक्टिव केस, ये है पजेसिव केस और ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो चार फॉर्म होते हैं जैसा कि आप सभी को मालूम है. नॉमिनेटिव केस में आई, ऑब्जेक्टिव केस में मी यूज़ होता है, पजेसिव केस में माई, जैसे मेरा, मैं किसी चीज़ से संबंधवाचक दर्शा रही हूँ तो मैं माई का यूज़ करूँगी. रिफ्लेक्सिव में मतलब माई सेल्फ, मेरा, ठीक है, मेरा खुद का, माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव हो गया. वी क्या, ऑब्जेक्टिव केस में अस यूज़ करते हैं, पजेसिव में अवर यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्सिव में ओवर सेल्फ्स यूज़ करते हैं. ही के लिए नॉमिनेटिव में ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस में हिम करते हैं, पजेसिव के लिए हिज का प्रयोग करेंगे और रिफ्लेक्सिव में हिम सेल्फ का. शी ऑब्जेक्टिव केस में हर, पजेसिव में हर, इसमें शी ही एक ऐसा है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव और पजेसिव दोनों में ही हर का यूज़ करते हैं शी के लिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव में हर सेल्फ. दे का देम, देयर, देम सेल्फ, हु का हुम, हुज, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता है हुज का. चलिए बढ़ते हैं आगे. नाउन वन के लिए पजेसिव केस वंस का प्रयोग करते हैं, ये यदि ये वाक्य का सब्जेक्ट हो तो. जैसे एग्जांपल, वन मस्ट सर्व वंस पर्पस व्हेन ऑन मिशन, अब यहाँ पे पजेसिव केस वंस का प्रयोग किए क्योंकि ये वाक्य सब्जेक्ट में था. लेकिन यदि वंस से किसी एक का बोध हो तो इसके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यानी ही, शी, इट का प्रयोग करते हैं. जैसे वन ऑफ दोज एप्पल्स इज ब्लू इन इट्स कॉलर, वन शुड एनालाइज हिज मिस्टेक्स इफ ही वॉन्ट्स टू स्कोर गुड इन फाइनल एग्जाम. एवरीवन और एवरीबॉडी के साथ में हिज का यूज करते हैं. जैसे कि एवरीबॉडी हैज टू क्लीन हिज हैंड्स, एवरीवन शुड अबाइड बाय सोशल डिस्टेंसिंग. एवरीबॉडी या फिर एवरीवन के साथ में हिज या हिज का यूज किया जाता है, हिज हैंड्स या फिर, ठीक है. ईच, एवरी, एनी वन और एनी बॉडी के साथ में उनके पर्सन के अनुसार में सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. जैसे कि ईच ऑफ यू कैन गो योर, पर्सन यू है तो उसके हिसाब से योर का प्रयोग करेंगे, योर वे. एनी वन, अब यहाँ एनी वन लगा है तो एनी वन कैन सेल इफ़ ही वॉज द आइडिया. लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. जैसे दे यूज़ नहीं करेंगे, देम यूज़ करेंगे. लेट देम सेल देयर हाउसेज, लेट यू, ये ऑलरेडी प्लुरल में है. लेट यू एंड मी, यहाँ पे आई यूज़ नहीं करेंगे आप, यहाँ पे आप मी यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे. लेट यू एंड मी ऑप्ट फॉर दिस एंट्रेंस एग्ज़ाम.
यदि सभी पर्सन्स के प्रोनाउन वाक्य में एक साथ हो या फिर कोई दो हो तो रूल 2-3-1 का यूज करते हैं, यानी कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, ये रूल है 2-3-1, इसका यूज किया जाता है। जैसे यू पहले सेकंड फॉर्म, फिर यू एंड ही थर्ड फॉर्म, इज कमिंग एट माई प्लेस फर्स्ट फॉर्म, शी एंड आई हैव टू गो टू मार्केट, यू निथा एंड आई सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर फर्स्ट फॉर्म, एम अबाउट टू रीच देयर। लेकिन यदि सभी प्रोनाउंस प्लूरल हो तो रूल 1-2-3 का यूज होगा, यानी पहले फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकेंड, फिर थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल वी, यू एंड दे, पहले फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकेंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म, विल अटेंड हर वेडिंग। बट और एक्सेप्ट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं, जैसे एवरी वन वॉन्ट्स टू गो एक्सेप्ट हर, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे हर भी ऑब्जेक्टिव केस होता है शी में, नॉमिनेटिव केस अगर सी हो तो हर उसका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है और हर उसका पजेसिव केस भी होता है। सच एज के बाद में सब्जेक्टिव केस के बाद प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, जैसे एग्जांपल देयर इज़ नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज ही, सब्जेक्टिव केस का यूज़ हुआ यहाँ पे ही। कुछ वर्ब जैसे कि इंजॉय, एविल, प्राइड, रिजाइन, अप्लाई, अक्वाइट, एसर्ट, एबसेंट, इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, यानी हिम सेल्फ, ओवर सेल्फ, देम, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे यूज़ किया जाता है। यदि इंजॉय, अवेल, प्राइड, रिजाइन, अप्लाई, एक्वाइड, एबसेंट या फिर एसर्ट दिया हो तो। राम एबसेंटेड हिम सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फ्रॉम द क्लास, दे इंजॉयड देम सेल्फ एट द पार्टी, ही प्राइड्स हिम सेल्फ ऑन हिज डॉटर सक्सेस। लेकिन कुछ वर्ब जैसे कि कीप, कंसील, क्वालिटी, स्प्रेड, रेस्ट, स्टे, इसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता है ये सारी चीज़ों के साथ में। जैसे कि आई स्टेड अवे फ्रॉम द पोस्ट, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव यूज़ नहीं किए। शी कंसील्ड इन द एटिक, किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हु एक नॉमिनेटिव केस के लिए और whom एक ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल हु डिड यू थिंक स्टील योर पर्स, यहाँ पे इंट्रोगेटिव है सेंटेंस, इसमें हु एक नॉमिनेटिव है, नॉमिनेटिव केस है, इसके लिए whom एक ऑब्जेक्टिव केस के लिए प्रयुक्त होगा। whom डिड यू किल दैट नाइट, पजेसिव केस में हुज व्यक्तियों के लिए और विच निर्जीव व्यक्तियों के लिए यूज़ होता है। समझ में आ गया, हुज जो है वो व्यक्ति के लिए और विच निर्जीव के लिए। दिस इज अनिता हुज डॉटर इज मैरिड टू मी, यहाँ पे हुज का यूज़ करें क्योंकि ये जीवित है, लिविंग थिंग वाली बात हो गई। द टेबल विच कलर, क्योंकि ये निर्जीव है, विच कलर इज रेड इज एक्सपेंसिव। अब एक नोट है, चूंकि हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है अतः इसके बाद में वर्ब आता है, जबकि whom एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो इसके बाद में प्रायः एक सब्जेक्ट और वर्ब आता है। जैसे एग्जांपल द बॉय हु कॉल्ड, यहाँ पे वर्ब आएगा हु के बाद, माय नेम ऑन द रोड इन राम, द बॉय whom आई कॉल्ड राम, whom आई कॉल्ड राम ऑन द रोड इज माय फ्रेंड। विच कोई अतिरिक्त सूचना यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए और दैट एक केस के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे एग्जांपल आई विल सेंड यू द लेटर विच इज रेड, यू विल सी देयर अ माउंटेन दैट मेक्स द क्लाउड लुक रेड, द ओनली, द सेम, ऑल, मच, नथिंग, एनीथिंग, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, नन, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। इसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। यू मस्ट डू एनी थिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, यू मस्ट नो समबडी विच कैन हेल्प यू, यू मस्ट नो समबडी दैट दैट कैन हेल्प यू, ठीक है, दैट का यूज़ किया जाता है। यदि जेंडर पता ना हो तो प्रोनाउन मस्कुलिन जेंडर का प्रयोग करेंगे, जैसे किसी चीज़ का जेंडर ना मालूम हो। इफ एनीबडी हैज़ गॉट द बुक लेट हर रिटर्न इट, तो यहाँ पे लेट हर का यूज़ कर दिए, ये गलत हो गया। इफ एनीबडी हैज़ गॉट द बुक लेट हिम, मस्कुलिन जेंडर का यूज़ करेंगे, लेट हिम रिटर्न इट।
दो व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि, यानी जो कि विच के स्थान पर दैट का प्रयोग करें। दो व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि, विच के स्थान पर दैट का प्रयोग करें। इसके लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन अनदर का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल, दीज टू एलिमेंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, यहाँ पे ईच अदर का यूज़ करेंगे। दे ऑफन क्वेरल्ड एमंग वन अनदर, यहाँ पे दो से अधिक के लिए वन अनदर और दो व्यक्ति स्थान के लिए यदि विच के साथ में स्थान पे दैट लगा हो तो यहाँ पे दैट का यूज़ करें तो इसके लिए ईच अदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दीज टू एलिमेंट्स, दो स्थान है, दो व्यक्ति की, दो चीज़ की बात हो रही है तो यहाँ पे ईच अदर का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे दो से अधिक की बात हो रही है, दे ऑफन क्वेरल्ड अमंग वन अनदर का प्रयोग करेंगे। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में वर्ब जो है वो टू बी के बाद आने वाला प्रोनाउन नॉमिनेटिव होता है। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझिए, इट वॉज शी हु फिल्ड अ पेटिशन, इफ आई वर शी आई वुड नॉट गो देर, हु, विच, दैट। इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो उसके ठीक पहले वाले नाउन या फिर प्रोनाउन के अनुसार प्रयुक्त होता है और रिलेटिव प्रोनाउंस को उसके एंटीसीडेंट के अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझिए, इट इज़ राम हु टीचर्स मे इंग्लिश, इट इज़ दे हु आर इन डाउट, आई हैव रीड शेक्सपियर्स वर्क्स हु वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। ये गलत सेंटेंस है, सही क्या बनेगा, आई हैव रीड वर्क्स ऑफ शेक्सपियर्स, नॉट रीड शेक्सपियर्स, वर्क्स ऑफ शेक्सपियर्स हु वॉच अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, ये सही बनेगा सेंटेंस। लेकिन ओनली वन ऑफ के बाद में, बाद वाले रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब सिंगुलर होता है लेकिन वन ऑफ दी के बाद नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझिए, ही इज ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैज़ क्वालिफाइड। अब यहाँ पे ओनली वन ऑफ है, इसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन स्टूडेंट्स, इसके बाद में जो वर्ब है रिलेटिव प्रोनाउन जो हु है, इसके बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा लेकिन वन ऑफ दी ही इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हु है यहाँ पे आप प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे, हैव क्वालिफाइड। ओनली वन ऑफ के लिए सिंगुलर, वन ऑफ दी के लिए प्लूरल। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन के बाद में, जैसे देयर इज़ नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे मी। एडजेक्टिव, वर्ब के थर्ड फॉर्म का एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग व्यक्ति या फिर वस्तु की विशेषता, किसी की क्वालिटी, किसी के गुण बताने के लिए प्रयोग होता है जो किसी प्रभाव यानी केस से प्रभावित हो, जबकि वर्ब में आईएनजी यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग उस चीज़ की विशेषता बताता है जो कि एक प्रभाव उत्पन्न कर रहा हो। एडजेक्टिव समझ गए आप लोग, जैसे कि एग्जाम्पल, न्यूज़ वॉज इंटरेस्टिंग, ये उसकी विशेषता बता रहा है कि बहुत रुचिकर है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म का यूज़ होगा यानी आई एन जी यूज़ करेंगे आप। आई वॉज इंटरेस्टेड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, इंटरेस्टेड इन दैट न्यूज़। कुछ एडजेक्टिव जैसे कि प्रियर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फेरियर, पोस्टेरियर, इसके बाद में टू का प्रयोग होता है, देन का यूज़ नहीं करेंगे, अगर इन सब के बाद आपको देन दिखे तो वो गलत है। त्यागी इज़ सीनियर टू मी, अब यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते कि त्यागी इज़ सीनियर देन मी, दिस मूवी इज़ पोस्टेरियर टू दैट मूवी। विशेषताओं की कंपैरिजन के संदर्भ में दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के लिए कंपैरेटिव डिग्री और दो से अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। विशेषताओं के कंपैरिजन के लिए, दो अगर किसी का कंपैरिजन कर रहे हैं दो व्यक्तियों के बीच में, तो उसके लिए वस्तुओं के लिए कंपैरेटिव डिग्री का और दो से अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। दो व्यक्ति या फिर उससे अधिक के लिए वस्तुओं के लिए कंपैरेटिव डिग्री का और दो से अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री का। क्लियर, एग्जाम्पल के जरिए समझिए, किसी दो चीज़ों की तुलना कर रहे हैं अगर, तो मूवी एक्स इज बेटर देन, दो मूवी की तुलना यहाँ पे हो रही है, मूवी एक्स इज बेटर देन मूवी वाई, यहाँ पे क्या यूज़ करें, कंपरेटिव डिग्री।
दिस इज द बेस्ट ऑफ बुक ऑल ऑफ दिस बुक्स. यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे दो चीज़ों की तुलना करने के लिए. लेकिन डबल कंपरेटिव अथवा सुपरलेटिव का प्रयोग जो है वो निषेध होता है. जैसे कि राम इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर, ये सेंटेंस गलत है. वाइजर तो यूज होगा, अगर यहाँ पे वाइजर यूज हुआ है तो मोर तो यूज होगा ही नहीं, ये गलत हो गया. सुपरलेटिव का प्रयोग जो है वो निषेध होता है डबल कंपरेटिव के लिए. यहाँ पे आप जो यूज करेंगे मोर ना यूज करके सिर्फ वाइजर यूज करेंगे, राम इज वाइजर देन हिज ब्रदर. लेकिन एक ही व्यक्ति की अगर दो विशेषताओं का कंपैरिजन करना हो तो वो इस रूप में आप करेंगे. जैसे कि राधा का कुछ ज़्यादा ही तुलना कर रहे हैं किसी और से, तो राधा इज मोर वाइज, मोर वाइज, नॉट कि मोर वाइजर, राधा इज मोर वाइज देन ओल्ड. डबल कंपरेटिव प्रयोग उन घटनाओं के लिए होता है जिसमें कि समान अनुपात में वृद्धि अथवा ह्रास हो रहा हो या फिर साथ ही उत्तरोत्तर प्रभावित हो रही हो. जैसे एग्जांपल, द हायर यू गो द कूलर यू फील, द हार्डर यू बिकम बिफोर डिफिकल्टीज, द बोल्डर यू बिकम इन लाइफ. समझ गए आप एग्जांपल के जरिए. पॉजिटिव डिग्री के सभी वाक्यों में एज प्लस डैश प्लस एज का प्रयोग होता है, लेकिन निगेटिव वाक्यों में सो प्लस डैश प्लस एज का प्रयोग होता है. जो भी वर्ड है वो लिखेंगे एज प्लस डैश, जैसे एज 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 वेल एज हो गया, ठीक है, इसका प्रयोग हुआ. लेकिन अगर निगेटिव हो तो उसमें सो का यूज़ करेंगे, सो डैश प्लस एज. जैसे कि एग्जाम्पल के जरिए इसको समझिए, शी इज़ एज क्लेवर एज हर ब्रदर. यहाँ पे एज क्लेवर एज पॉजिटिव के लिए बात हो रही है. अब निगेटिव में हो तो हर फ्रेंड इज नॉट सो क्लेवर एज हर. इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज इंडिया इज एज डेवलप्ड एज एनी कंट्री. सुपरलेटिव सेंस में कंपरेटिव डिग्री का प्रयोग होता हो तो इसके बाद में एनी अदर का प्रयोग आवश्यक है. जैसे इंडिया इज हायर ऑन डेवलपमेंट इंडेक्स देन एनी अदर कंट्रीज. यहाँ पे एनी अदर का यूज करेंगे, लेकिन इंडिया इज द हाईएस्ट ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे एनी अदर का नहीं जबकि बल्कि ऑल कंट्रीज का यूज करेंगे. समझ के दोनों में क्या डिफरेंस है. इंडिया इज हायर ऑन डेवलपमेंट इंडेक्स देन एनी अदर कंट्रीज, लेकिन इंडिया इज द हाईएस्ट ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज इंडेक्स ऑफ ऑल कंट्रीज. जब भी दो अलग अलग व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन हो तो उनका रेपिटेशन अवॉइड करने के लिए हम दैट या फिर दोस का यूज़ करते हैं. जैसे एग्जांपल के जरिए समझिए, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज़ बेटर देन पुणे. ये सेंटेंस तो बिल्कुल गलत होगा. यहाँ पे आप यूज़ करेंगे द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज़ बेटर देन दैट ऑफ पुणे. बेटर देन पुणे नहीं, दैट का यूज़ करते हैं किसी के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए, दैट या दोस का यूज़ करेंगे. न्यू अडेप्शंस इन IT आर फास्टर देन एनी अदर सेक्टर. ये सेंटेंस गलत होगा, दैट का यूज़ करेंगे. न्यू अडेप्टेशंस इन IT आर फास्टर देन दोज ऑफ एनी अदर सेक्टर, दोज का यूज़ करेंगे. यहाँ पे दैट सिंगुलर नाउन के लिए और दोज प्लूरल नाउन के लिए यूज़ होगा. ऊपर जो आपने देखा वो सिंगुलर नाउन था, इसलिए वो सिंगुलर दैट का यूज़ हुआ. यहाँ पे प्लूरल की बातें हो रही है तो इसलिए दोज का यूज़ करें. जब दो या अधिक कंपैरेटिव्स एंड से जुड़े हो तो वो सेम ही डिग्री उसमें होंगे. अगर दो से अधिक कंपेयर किया जा रहा है और वो एंड से अगर जुड़ रहा है तो दोनों एक ही डिग्री यूज़ होगा. अगर सुपरलेटिव है तो दोनों में सुपरलेटिव ही यूज़ होगा. अगर कंपैरेटिव यूज़ करें तो दोनों में कंपैरेटिव यूज़ होगा, ठीक है. बीरबल वॉज द वाइजेस्ट एंड मोस्ट, यहाँ दोनों में ही सुपरलेटिव यूज़ हो रहा है. लर्न मैन ऑफ द टाउन. कुछ एडजेक्टिव जैसे कि यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, एक्सट्रीम, कंप्लीट, यूनिवर्सल, इनफाइनाइट, परपेक्चुअल, चीफ, इंटायर, राउंड, इम्पॉसिबल, एब्सोल्यूट, एक्सीलेंट एसेट्रा. इसके बाद में दी मोस्ट का प्रयोग अनुपयुक्त है, मतलब सही नहीं है. दी मोस्ट का प्रयोग इसके बाद में नहीं होना चाहिए. अगर आपको सेंटेंस में दिख रहा है तो वो गलत है. जैसे कि इट इज़ द मोस्ट यूनिक क्लॉथिंग, ये गलत है. यहाँ पे यूज़ करेंगे आप इट इज़ यूनिक क्लॉथिंग, दी मोस्ट का यूज़ नहीं होगा. फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ और लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ होता है. ही हैज़ फीवर बुक्स देन हर, फीवर बुक्स देन हर. ये क्योंकि बुक्स की बात हो रही है तो बुक तो काउंटेबल नाउन हो तो बुक को तो आप गिन सकते हैं कि वो दो है कि चार है, इसलिए यहाँ पे फ्यू का यूज़ करेंगे. ही टेक्स नो लेस देन अ लिटिल ऑफ मिल्क. मिल्क को तो आप गिन नहीं सकते हैं क्योंकि वो गिनने की चीज़ तो है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे आप
लिटिल का यूज़ करेंगे। ही टेक्स नो लेस देन अ लीटर ऑफ मिल्क। एडवर्ब, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये हमेशा वर्ब के बाद या फिर ऑब्जेक्ट के बाद में यूज़ होता है। जैसे रीता वॉज रीडिंग द बुक केयरफुली, शी बॉट इट यस्टरडे, शी लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर। कुछ एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी जैसे कि ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, नेवर, रेयरली, और कुछ अन्य एडवर्ब्स जैसे कि ऑलरेडी, ऑलमोस्ट, जस्ट, क्वाइट, नियरली, हार्डली एसेट्रा, ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आते हैं। अगर वाक्य में दो वर्ब हो तो ये पहले वर्ब के बाद में प्रयोग होगा, पहले वर्ब के। यदि अगर वाक्य में दो वर्ब आपको कहीं दिख रहा हो तो ये पहले वाले वर्ब के बाद यूज़ होगा। एग्जाम्पल के ज़रिए समझिए। ही इंटेंडेड द इंटायर ऑडियंस एज ही नाइसली टॉक टू देम, पहले वर्ब के बाद में। सच अ बिग पर्सनैलिटी हैड नेवर बीन, नेवर बीन इन्वाइटेड इन द सेरेमनी। इनफ का यूज़ किसी भी एडजेक्टिव के बाद होता है। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझिए। शी इज कनिंग इनफ टू इवेड हिम, इनफ का यूज़ एडजेक्टिव के बाद होगा। इन क्वारंटाइन ही वॉज जेनरस इनफ, एडजेक्टिव के बाद जेनरस इनफ टू हेल्प मी विथ मनी। किसी भी वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब का प्रयोग होता है, आप सभी को मालूम होगा। लेकिन कुछ वर्ब जैसे कि लुक, सीम, अपीयर, हैपन, टेस्ट, फील, स्मेल, साउंड, बिकम, गेट, रिमेन, गो, टर्न, प्रूव, ग्रो, स्टे एसेट्रा, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके बाद एक एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जैसे कि दीज चिल्ड्रेन सीम इंटॉक्सिकेटेड, सीम का यूज़ हुआ। शी रिमेंड लॉयल स्टील, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके बाद में एडजेक्टिव यूज़ होता है। सेल्डम के साथ में एवर का प्रयोग नहीं करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। सेल्डम के बाद कभी भी एवर का यूज़ नहीं होता है। जैसे सीता सेल्डम और एवर गोज़ आउटसाइड, ये गलत है। सीता सेल्डम और नेवर गोज़ आउटसाइड, ये यूज़ करेंगे, एवर नहीं, नेवर का यूज़ करेंगे। इस तरह के कुछ नेगेटिव वर्ड्स के साथ नॉट का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि माई फादर फॉरबेड मी नॉट टू गो इन द सन, ये गलत है। यहाँ पे नॉट का यूज़ भले नेगेटिव दिख रहा है लेकिन ये यहाँ पे नॉट यूज़ नहीं करेंगे। माई फादर फॉरबेड मी टू गो इन द सन, जब फॉरबेड आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं तो यहाँ पे नॉट यूज़ नहीं करेंगे। कुछ शब्द जैसे कि टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, इसके बाद में ए या फिर एन का यूज़ नहीं होता है। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन, यहाँ पे अ यूज़ नहीं करेंगे। इज ही हु डज नॉट हेल्प अ वुमेन इन नीड, यूज़ होगा। व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही हु डज नॉट हेल्प अ वुमेन इन नीड। बोथ और एज वेल एज एक ही वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता है। जिस वाक्य में आप, क्योंकि दोनों का जो मतलब है एक ही निकलता है, इसलिए दोनों एक ही शब्द में नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल सुपरलेटिव हो जाएगा। बोथ राम एज वेल एज लक्ष्मण आर क्लेवर इनफ टू हंट देम, इसका वर्ड कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो जा रहा है। यहाँ पे बोथ राम एंड लक्ष्मण आर क्लेवर इनफ टू हंट देम, बोथ होगा तो एज वेल एज का प्रयोग नहीं करेंगे। राम एज वेल एज हिज ब्रदर आर क्लेवर इनफ टू हंट देम, एज वेल एज यूज़ हो गया तो बोथ का यूज़ नहीं करेंगे। सपोज और इफ़ एक ही वाक्य में एक साथ प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि सपोज भी मान लेना होता है और इफ़ भी, यदि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सपोज और इफ़ दोनों का कहीं ना कहीं मतलब एक ही होता है, तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल वर्ड बन जाएगा, इसीलिए दोनों का एक साथ में प्रयोग नहीं करते हैं। सपोज इफ़ वी गो टुगेदर विल ही कम, ये यूज़ गलत है। इफ़ वी गो टुगेदर विल ही कम, ये सही सेंटेंस है। सपोज का क्या यूज़ है, सपोज ही डज नॉट कम देन वॉट नेक्स्ट, तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक साथ प्रयोग नहीं करती होती हैं, इस चीज़ का बड़ा ही ध्यान रखना होता है। ये छोटी मोटी चीज़ें एरर हो जाती है हर किसी से। इल्स के बाद में बट का प्रयोग करते हैं, देन का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे इल हो उसके बाद में आप बट का प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग नहीं करेंगे। इट इज़ नथिंग इल्स देन योर प्राइड विच मेक्स यू
से सच अ थिंग, यहाँ पे गलत है ये, क्योंकि यहाँ देन यूज हो गया, बल्कि बट यूज करना चाहिए यहाँ पे. इट इज नथिंग एल्स बट यू ट्राइड विच मेक्स यू से सच अ थिंग. दो विपरीत अर्थ वाले फ्रेज और सेंटेंस को जोड़ने के लिए बट का प्रयोग करते हैं, एंड का यूज़ नहीं करते हैं. कुछ ऐसे फ्रेजल चीज़ होते हैं और सेंटेंस होता है जहाँ पे उसको जोड़ने के लिए एंड का नहीं जबकि बल्कि बट का यूज़ करते हैं. जैसे एग्जाम्पल के जरिए सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आप सभी का. इट वॉज डार्क बट सूथिंग इन साइड दी रेस्टोरेंट. तो यहाँ पे बट का यूज़ होगा, एंड का यूज़ नहीं होगा. एंड सूथिंग नहीं, बट सूथिंग. लेकिन द मूवी वॉज लॉन्ग इन लेंथ बट वर्थ वॉचिंग. सिंस का प्रयोग एक एडवर्ब, सिंस का प्रयोग सिंस का यूज एक एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन के रूप में भी करते हैं. जैसे कि आई हैव नॉट गॉन आउटसाइड, आई मेट रोहन सिंस, ये एडवर्ब के लिए यूज़ हुआ. आई हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे प्रीपोजिशन में भी सिंस का यूज़ किया आप सभी ने. इट हैव बीन वेरी बिजी सिंस आई स्टार्टेड माई न्यू जॉब, यहाँ कंजक्शन में भी सिंस का ही यूज़ होगा. प्रीपोजिशन में यहाँ पर सिंस यूज़ किए, यहाँ पे एडवर्ब में यूज़ हुआ, क्योंकि एडवर्ब बाद में होता है, तो एडवर्ब में यहाँ पे प्रीपोजिशन और ये है कंजक्शन. कुछ वर्ब जैसे कि हार्डली, सक्रेसली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, नॉर, नो, नॉट, ओनली बाय, ओनली इन दिस वे, ओनली व्हेन, ओनली देन, इन और अंडर सर्कमस्टांसेस, ऑन नो अकाउंट, सो प्लस एडजेक्टिव एसेट्रा, इन वर्जन वाले वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, जिसमें कि एक्जिलरी वर्ब वाक्य के सब्जेक्ट के पहले आता है, लेकिन ये वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होते हैं. जैसे एग्जाम्पल, ओनली बाई वर्किंग हार्ड टिल मॉर्निंग विल यू सक्सीड इन लाइफ, सो अगली हैज़ शी बिकम दैट दे डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हर. रेदर का प्रयोग निगेटिव अर्थ में होता है, जबकि फेयरली का यूज़ पॉजिटिव अर्थों में पसंद या नापसंद दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है. जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझिए, द वेदर इज़ फेयरली फाइन एंड वी आर रेदर टायर्ड, यहाँ पे रेदर का यूज़ करेंगे, ठीक है, निगेटिव के लिए. रेदर के साथ में टू का यूज़ होता है, लेकिन फेयरली के साथ में टू का यूज़ नहीं किया जाता है. आई एम रेदर टू अनवाइज, फेयरली के लिए आप टू यूज़ नहीं कर सकते हैं. चलिए अब आते हैं कंजक्शन पे. एक कंजक्शन दो वाक्यों को जोड़ता है, लेकिन एक प्रीपोजिशन दो शब्दों को जोड़ता है, ठीक है. जैसे कि बिकॉज, बिकॉज एक कंजक्शन है, जबकि बिकॉज ऑफ इसका प्रयोग वाक्यों में प्रीपोजिशन की तरह यूज़ होता है. बिकॉज कंजक्शन है, बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन है. जैसे एग्जांपल के जरिए समझिए, शी मिस्ड द एग्जाम बिकॉज शी वॉज नॉट वेल, यहाँ पे जो बिकॉज यूज हुआ है ये कंजक्शन है. सी मिस्ड द एग्जाम बिकॉज ऑफ बीइंग अनवेल, यहाँ पे प्रीपोजिशन के लिए यूज़ हुआ. इन ऑर्डर दैट एक कंजक्शन है, जबकि इन ऑर्डर टू ये एक प्रीपोजिशन है. मदर ओपेंड द विंडो इन ऑर्डर दैट द बॉडी बॉडी कुड गेट द फ्रीज, ठीक है, यहाँ पे इन ऑर्डर. मदर ओपेंड द विंडो इन ऑर्डर दैट, यहाँ पे कंजक्शन यूज़ हुआ. अब मदर ओपेंड द विंडो इन ऑर्डर टू गेट सम विंड, यहाँ पे इन ऑर्डर टू ये प्रीपोजिशन में यूज़ हुआ. सो दैट ये कंजक्शन है, जबकि सो एज टू ये एक प्रीपोजिशन है. ही इज सो पॉपुलर एमंग हिज फ्रेंड्स दैट एनी वन विल लेंड हिम अ कार, यहाँ पे सो का यूज़ किए और ये है दैट, तो ये कंजक्शन हो गया. नो सूनर के साथ में देन और सेक्रेसली और हार्डली के बाद वेन का यूज़ होता है. नो सूनर के बाद वेन यूज़ नहीं, जबकि देन यूज़ होता है, और सेक्रेसली और हार्डली के साथ में वेन का यूज़ करते हैं, और ये इन्वर्जन में भी प्रयुक्त होते हैं. जैसे स्कार्सली हैड इंटर्न द रूम, यहाँ पे स्कार्सली यूज़ कर लिए, तो स्कार्सली के लिए वेन का यूज़ करेंगे, वेन आई हर्ड अ श्रिक. हार्डली, हार्डली के लिए भी वेन यूज़ होगा, हार्डली आई स्लेप्ट व्हेन द टेलीफोन रैंग. नो सुनर, नो सुनर डिड ही स्टार्ट राइटिंग देन, नो सुनर के लिए देन का यूज़ करेंगे. हिज पर रन आउट ऑफ इंक, ही नो सुनर स्टार्टेड राइटिंग देन हिज पर्सन आउट ऑफ इंक. नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो का यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ होता है. नॉट ओनली डिड शी हेल्प मी बट ड्रॉप्ड मी होम ऑल्सो, अब ऐसा नहीं कि बट ऑल्सो एक साथ में, वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है.
नॉट ओनली डिड शी हेल्प मी बट ड्रॉप मी होम ऑल्सो वेन नेट ओनली वॉस्ट मूवी बट ऑल पॉपकॉर्न टू। लेस्ट एक निगेटिव वर्ड है जिसके अगले सेंटेंस में शुड का प्रयोग किया जाता है, जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। ये सेंटेंस गलत है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, नॉट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये लिस्ट लगने के बाद ऑलरेडी ये निगेटिव है, तो और इसको निगेटिव प्रदर्शित करने की ज़रूरत नहीं है। आइदर के साथ में और नाइदर के साथ में नॉर और अदर के साथ में देन का यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ होता है? देयर आर गोइंग टू आइदर स्टे और बाई दी हाउस, आइदर स्टे और, नाइदर डिड आई रैन नॉर डिड आई रैंग दी फोन, देयर इज नो अदर ऑप्शन देन दिस। सच से जब किसी चीज की तीव्रता या फिर अधिकता का बोध होता है तो इसके साथ में दैट का इस्तेमाल करते हैं और बाकी कंडीशन में एज का यूज़ करते हैं, सच एज। लेकिन किसी चीज़ की तीव्रता या अधिकता के बारे में बात हो रही है तो दैट का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? सच वॉज हर एंगर दैट एवरी अटैम्प्ट टू पेसिफी हिम फेल्ड, ही वॉज इन सच एन इमोशनल फ्रेंजी दैट ही लिसन टू नन। ऑल्दो और दो के साथ में कॉमा या फिर यट का यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ होता है? ऑल्दो ऑल द मेंबर्स केम लेट कॉमा द टीम लीडर कॉल्ड नन, दो ऑल ऑफ द मेंबर्स केम लेट कॉमा यट द टीम लीडर कॉल्ड नन। जब दो वाक्य सिंस या एवर सिंस से जुड़ा हो तो इसके तुरंत बाद आने वाला जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होगा। सिंसियर कंडीशंस कार वर अटैच्ड टू द ट्रेनिंग ट्रेन्स ट्रैवलिंग बिकम कंफर्टेबल। ये सेंटेंस गलत है। क्या सेंटेंस होगा सही? सिंसियर कंडीशंस कार्स वर अटैच्ड टू द ट्रेन्स ट्रैवलिंग हैज बिकम, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा जो है ये पहला तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट बिकम कंफर्टेबल, ये सेंटेंस होगा। नथिंग हैज चेंज्ड इन दिस टाउन सिंस आई लेफ्ट इट। ये गलत सेंटेंस है। क्या बनेगा? नथिंग हैज चेंज्ड इन दिस टाउन सिंस आई लेफ्ट, नॉट हैव लेफ्ट, हैव लेफ्ट यूज नहीं होगा, लेफ्ट इट। इन केस प्रोवाइडेड इफ अनलेस सपोजिंग, इससे शुरू होने वाले जो सेंटेंस है उसमें विल शैल या फिर किसी मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि आई शैल रन प्रोवाइडेड माई लेग्स बिकम फिट, डोंट गो अनलेस आई रिटर्न। कुछ शब्द जैसे कि रिगार्ड डिस्क्राइब डिफाइन ट्रीट मेंशन डिपिक्ट पॉटरी, इसके बाद में एज का यूज होता है, जैसे आई रिगार्ड हर एज माई सिस्टर, राम वॉज ट्रीटेड एज गॉड। अगर वाक्य कॉन्टिन्यूअस में हो यानी रहा है रही आई एन जी वाला कोई फॉर्म हो तो उसके पहले वाइल का प्रयोग होगा, वेन का यूज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आई रीच देयर वाइल इट वॉज रेनी, अब यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है तो इससे पहले वाइल यूज होगा ना कि वेन यूज होगा। वेन कहाँ पे यूज होगा? आई गो दीज वेन इट रेन्स, यहाँ पे यूज कर सकते हैं इंडेफिनिट में। लाइक के बाद प्रोनाउन आता है जबकि एस के बाद में एक क्लॉज आता है, जैसे ही रन्स लाइक हिज फादर, यहाँ प्रोनाउन आ गया लाइक के बाद में, ही रन्स एज हिज फादर रन्स, अब यहाँ पे रन के बाद एज यूज करेंगे हिज फादर क्योंकि यहाँ पे क्लॉज आ गया, वाक्यांश हो गया। टिल पीरियड ऑफ टाइम बताता है और अनटिल जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, जैसे वेट हर अनटिल आई केम, ये अनटिल आई केम ये आपको टाइम बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम किस टाइम पे। आई विल स्टे टिल यू कम, ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन भी समाप्त होता है। कंजक्शन तक हम लोगों ने इस सेशन में कवर किया है, नेक्स्ट सेशन में आपको प्रीपोजिशन, इसके साथ ही टेंस और क्वेश्चन टैग मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।